वेलकम बैक। वी आर इन ऑन अनदर ट्रिप टू मेड़घाट। मेड़घाट टाइगर रिजर्व, ये नेचर लवर्स के लिए जन्नत है। अगर आपको नेचर अच्छा लगता है, अगर आप बस ये पहाड़ी रास्ते, धूप, इन सब चीज़ों को एंजॉय करते हैं लाइफ में, तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ एंड तक देखिएगा वीडियो को और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। मेड़घाट टाइगर रिजर्व जो है, इसकी एक ख़ास बात यह है कि ये महाराष्ट्र का सबसे पहला टाइगर रिजर्व है। पहले ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, 1967 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया। तो मेड़घाट टाइगर रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र का अमरावती डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और नागपुर से इसकी डिस्टेंस करीब 225 किलोमीटर है। और सबसे नज़दीक का एयरपोर्ट, जैसे अगर आप बाय एयर भी आना चाहें तो नागपुर तक आना पड़ेगा। नागपुर का एयरपोर्ट है वहाँ, यहाँ से करीब 250 किलोमीटर। तो ये रूट्स हैं और इसमें एक सबसे अच्छी प्लस पॉइंट है जो मैं आपको रोड दिखा रही हूँ। रास्ते बहुत ही अच्छे हैं। रोड बेसिकली नागपुर से टाइगर आपका मेड़घाट का एरिया जाने तक का रोड बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल, और जो नज़ारे देख रहे हैं आपको, ये तो बिल्कुल ही ऑसम है। लाइक यहाँ पे इस रोड का ही मज़ा इतना ज़्यादा आएगा कि हम भूल ही जाते हैं कि हम कहाँ जाने के लिए निकले हैं, वहाँ जाके हमें क्या मिलेगा, कैसा होगा, बाकी सब चीज़ें कैसी क्या रहेंगी, उस पर से ध्यान ही हट जाता है। लिटरली सिर्फ इस चीज़ को हम एंजॉय करने लगते हैं। ऑन द वे छोटे मोटे गांव हैं जो कि बहुत ही बिल्कुल रोड साइड में ही हैं और बेसिकली यहाँ आने के लिए हमको पर्सनल व्हीकल हो तो बेस्ट ही है। तो एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है ये, एरिया वाइज। और मेड़घाट जिसे बोलते हैं, बेसिकली ये बहुत सारे घाट और वैलीज़ का कॉम्बिनेशन है, तो इस वजह से यहाँ पे जो नेचर है वो बहुत ही अलग दिखता है। इसमें जैसे इस टाइगर रिजर्व में हम गेट में पहुँच गए हैं, अब यहाँ से मेन मेड़घाट का एरिया स्टार्ट होता है। ये पूरा नज़ारा आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है गेट पे। बेसिकली ये जो भी विजिटर्स मेड़घाट के अंदर जा रहे हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू रखा जाता है। तो बेसिकली आज दिन अच्छा है, ये कुछ 11 से 12 बजे के आसपास का टाइम है और टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है। धूप आप देख रहे हो, पेड़ इतने घने हैं कि रास्ते में धूप के होने से कोई टेंशन ही नहीं है। इतना अच्छा वेदर हो रखा है यहाँ पे। तो मैं आपको बता रही थी मेड़घाट टाइगर रिजर्व में बेसिकली सारे एनिमल्स हैं। टाइगर रिजर्व है तो ऑब्वियसली टाइगर तो है ही, तो टाइगर दिखने के अलावा जो और एनिमल्स इजीली यहाँ पे साइट हो जाते हैं उनमें से है जैसे स्लॉथ बियर है, इंडियन गौर, सांबर है,
लेपर्ड है, नीलगाय है, और एक सबसे खास फॉरेस्ट आउलेट्स जो कि ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लाइक उनकी प्रजाति बिल्कुल विलुप्त होने आ गई, वो फॉरेस्ट आउलेट्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इस जंगल में नेचर और जो जैसा यहाँ का लैंडस्केप है, लाइक घाट्स है, बीच में ही नदी लगेगी, झरने हैं, तो झरने वगैरह तो आपको जब बहुत बारिश हो जाती है उस वक्त अगर इस रोड पे आते हैं तो आपको रस्तों में ही जहाँ तहाँ वाटरफॉल्स मिलेंगे। और ये मैं अपने हस्बैंड के साथ में, तो हम लोग बस ऐसे ही टूर पे निकल पड़ते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है घूमना साथ में और नेचर को एंजॉय करते हैं हम, एनिमल्स हमें बहुत पसंद हैं और हम ऐसे ही लोगों के लिए ये सब शेयरिंग कर रहे हैं जिन्हें भी ये सब चीज़ें पसंद आती हों। तो अब ये हम जा रहे हैं बेसिकली मेलघाट का एरिया, चिखलदारा में नहीं जाएंगे आज रुकने के लिए, हम रुकेंगे मेलघाट का जो टाइगर रिजर्व है वहाँ का जो फॉरेस्ट का जो गेस्ट हाउस है, लाइक फॉरेस्ट का रिसॉर्ट है, वहाँ पे रुकेंगे। तो मैं आपको बता रही थी यहाँ पे जो एनिमल्स टाइगर के अलावा जो साइट होते हैं उनमें जंगल कैट, हाइना, जैकल, फॉक्स, वाइल्ड डॉग्स, रैटल है, और पॉक्यूपाइंस एंड ऑटर, मंगूस, बाकी इसके अलावा जो मोस्टली सब जगह दिखने को मिलते हैं सांबर, चीतल एंड बार्किंग डियर, ब्लू बुल, इसके अलावा रेसिस मैकैक्स मतलब मंकीज, वो तो हर जगह अवेलेबल है। और यहाँ पे तो बहुत ही खास हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स आपको आपके रास्ते पे ही देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मेलघाट में चार एरिया है, मोस्टली चार एरियाज हैं जहाँ से आपको रुकने के लिए और टूरिज्म के लिए आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जहाँ पे घूमा जाता है। तो इन चार एरियाज़ में एक जैसे सीमाडो है, चिखलदारा है, हरिसाल है और शाहनूर। तो यहाँ से टाइगर सफारीज़ भी होती है इन जगहों से, और यहाँ पे आएंगे तो जैसे अलग अलग वेदर में, अगर आप बारिश में रेनी सीज़न में आ रहे हैं तो चिखलदारा में जाने का जो मज़ा है बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वो बहुत हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो वहाँ से वाटरफॉल्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं और बहुत सारे टूरिस्ट इंटरेस्ट के भी प्लेसेस हैं। तो वहाँ पे विजिट बारिश के दिन में करना चाहिए। अभी का जो वेदर है इस हिसाब से वी डिसाइडेड कि हम लोग सीमाडो जाएंगे, और ये जस्ट हम पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पे जो मेन ये है सिपना नदी यहाँ से बह रही है, और मेलघाट में मोस्टली पांच रिवर्स का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे अलग अलग जगहों पे पांच नदियाँ बहती हैं जिसमें खांडू, खापरा, सिपना, गारगा और डोलार करके है, जो कि बेसिकली ताप्ती रिवर को ट्रिब्यूट करती है। तो देखिए हम गेट तक पहुंच गए हैं, जैसे मैंने बताया कि ये बहुत बड़ा ब्लॉग होने वाला है, सो मैं अभी इसको यही पेंड करूंगी, पार्ट वन हो गया ये, बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट टू में लेके आऊंगी। तो आप इसको देखने के बाद में पार्ट टू भी ज़रूर देखिए, और प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो थैंक यू एंड बाय बाय, एंड हम वापस मिलते हैं पार्ट टू में।